दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में आपने एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां देखी होंगी जो अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और अपनी अदायगी के लिए तो काफी ज्यादा मशहूर है ही। साथ ही ये अभिनेत्रियां आज टीवी पर राज कर रही हैं और इन अभिनेत्रियों ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी लंबा सफर तय किया है और इस सफर ने इन्हें सफलता तो दिलाई, साथ ही लंबा सफर तय करते हुए ये अभिनेत्रियां लुक्स के मामले में भी काफी ज्यादा बदल चुकी है। जिनकी आज की खूबसूरती से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की ये अभिनेत्रियां अपने डेब्यू सीरियल के दौरान कैसी दिखाई देती थी? नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे कि वो अपने डेब्यू सीरियल में कैसी दिखती थी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सुरभि चंदना। इस लिस्ट के पहले नंबर पर नाम शुमार होता है अभिनेत्री सुरभि चंदना का, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कबूल है जैसे सीरियल से अपना डेब्यू किया था। उस वक्त सुरभि काफी ज्यादा यंग थी और अगर आप सुरभि की तब की तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब सुरभि पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत और बोल्ड दिखाई देती है और इनकी तस्वीरों में देखकर आप जमीन आसमान का अंतर देख सकते हैं। इस तरह से अभिनेत्री सुरभि चंदना अपने डेब्यू सीरियल के दौरान काफी अलग दिखाई देती थी। नंबर 2, रुबीना दिलायक। छोटी बहू सीरियल से अभिनेत्री रुबीना दिलायक ने टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था और इस शो से इन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। उस वक्त रुबीना दिलायक काफी सिंपल और यंग नजर आई थी और आप इनकी इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभिनेत्री रुबीना दिलायक कितनी ज्यादा बदल गई है, क्योंकि ये अपने डेब्यू के दौरान काफी ज्यादा सिंपल और स्किन टोन के मुताबिक काफी डल दिखाई देती थी। नंबर 3, श्रद्धा आर्या। कुंडली भाग्य सीरियल से पहले अभिनेत्री श्रद्धा आर्या तुम्हारी पाखी सीरियल में नजर आ चुकी है और उस दौरान ये आज के मुताबिक काफी ज्यादा सिंपल और मासूम दिखाई देती थी। उस दौरान श्रद्धा आर्या काफी यंग और काफी खूबसूरत नजर आती थी, पर अब वही श्रद्धा आर्या जो कुंडली भाग्य सीरियल में नजर आ रही है काफी ज्यादा खूबसूरत और ग्लैमरस दिखाई देती है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 4, क्रिस्टल डिसूजा। कहे ना कहे सीरियल से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजा बीते सालों में काफी ज्यादा बदल चुकी है। जी हाँ, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ क्रिस्टल डिसूजा पहले सिंपल और सादगी भरे अंदाज में नजर आई थी और इन्हें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल और सिंपल ड्रेस में ही देखा जाता था, जिसके चलते डेब्यू सीरियल के दौरान की और अब की तस्वीरों में इनके लुक पर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। नंबर 5, दृष्टि धामी। साल 2007 में दिल मिल गए सीरियल से अभिनेत्री दृष्टि धामी ने टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था और इस सीरियल में ये काफी ज्यादा सिंपल और सादगी भरे अंदाज में नजर आई थी, जिन्हें देखकर आप पहली नजर में पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि अब अभिनेत्री दृष्टि धामी पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती हैं, जिसने इनके सिंपल लुक को पूरी तरह से बदल दिया है। नंबर 6, कृतिका सेंगर। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार होता है अभिनेत्री कृतिका सेंगर का, जिन्होंने साल 2007 में कसौटी जिंदगी के सीरियल से टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था और आपको बता दें कृतिका सेंगर में भी काफी बदलाव देखने को मिलते हैं, जहां इन्होंने भले ही वेस्टर्न ड्रेसेस कैरी करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये पहले सिर्फ और सिर्फ सिंपल ड्रेस में ही नजर आती थी और सिंपल लुक में इनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट और सादगी भरा अंदाज सभी का दिल जीत लेती थी। तो दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की इन अभिनेत्रियों के डेब्यू सीरियल लुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।